बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे सुलजलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुलतजी हूँ कि मौलाए करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो हम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। डी फेलोस, रेगुलर डिपार्टमेंट इंक्वायरी जो है वो किसी भी सर्विस मैटर्स के अंदर या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के अंदर या डिसिप्लिन प्रोसीडिंग के अंदर इंतहाई अहमियत की हामिल है, इसलिए कि नंबर ऑफ़ जजमेंट्स मौजूद हैं जिसके अंदर ये कहा गया कि मेजर पनिशमेंट मीट आउट करने के लिए आपको रेगुलर डिपार्टमेंट इंक्वायरी कंडक्ट करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। ऑल दो रेलिवेंट जितने भी सर्विस लॉज हैं उनके अंदर अगर फैक्ट्स हैं वो एक्स फशाई प्रूव्ड हैं तो रेगुलर डिपार्टमेंट इंक्वायरी को डिस्पेंस विद किया जा सकता है एज पर दी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नंबर ऑफ़ जजमेंट्स के अंदर ये बात कही कि टू इंश्योर द राइट टू फेयर ट्रायल, और उस अक्यूज्ड को जो डिलिंक्वेंट पुलिस ऑफिशियल है या कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंडक्ट की जा रही है, उसको मेजर पनिशमेंट उसे देने जा रहे हैं, उसको ये दोनों चीज़ें इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर डिपार्टमेंट इंक्वायरी कंडक्ट करें। लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेगुलर डिपार्टमेंट इंक्वायरी के मुतल्लिक है। इस एक लेटेस्ट जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की जिसमें मोहम्मद अली मजहर साहब हिज लॉर्डशिप ने 5 क्वेश्चंस को एड्रेस किया है। प्राइमरीली हम इस जजमेंट पर फोकस करेंगे लेकिन इसके साथ साथ हम 4 और जजमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। वो 5ों जजमेंट्स के रेफरेंसेस मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि बवक्ते ज़रूरत आपको काम आ सके। ये जो लेटेस्ट जजमेंट है अभी रिपोर्ट नहीं हुई लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है, सिविल पटिशन नंबर 6462647 K of 2021 गुलाम मुर्तज़ा शेख एटस्टा वर्सेज द चीफ मिनिस्टर सिंध एंड अदर्स। डी फेलोस, इस जजमेंट के अंदर जो 5 क्वेश्चंस को एड्रेस किया गया उनमें से पहला क्वेश्चन ये था कि जो रेगुलर डिपार्टमेंट इंक्वायरी है उसका मकसद क्या है। दूसरी इसके अंदर जो क्वेश्चन एड्रेस किया गया वो ये था कि अगर सर्टन विटनेसेस पेश किए गए हैं अगेंस्ट दी डिलिंक्वेंट ऑफिशियल तो कि अगर उनको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया तो उसकी मेयर जो स्टेटमेंट है उसकी लीगल वैल्यू क्या है। तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर जो एड्रेस किया गया वो ये किया गया कि जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं सर्वर्स मैटर्स के अंदर वहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है, इज़ दैट एनालॉगस टू दी स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ मेंटेन्ड एंड प्रेस्क्राइब्ड इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या कि इसका स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है वो डिफरेंट है। चौथा क्वेश्चन इसके अंदर ये एड्रेस किया गया है कि किस मैनर में रेगुलर डिपार्टमेंट इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी। और 5वां क्वेश्चन ये एड्रेस किया गया है कि अगर रेगुलर डिपार्टमेंट इंक्वायरी की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो डिफेक्टिव हैं तो वो सारी प्रोसीडिंग जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हो रही हैं फॉर मीटिंग आउट पनिशमेंट या फॉर डिटर्मिनिंग द लाइबिलिटी उस पर क्या असरअंदाज होंगी। ये फेलोस, इस जजमेंट के अंदर जो पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा कि इसका पर्पज़ क्या है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसके 2 मकासद बताए। पहला मकसद ये बताया कि इसका मकसद टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द लाइबिलिटी ऑफ द डिलिंक्वेंट ऑफिशियल है रिगार्डिंग एलिगेशन लेवल्ड अगेंस्ट हिम इन शो का नोटिस आर स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन। तो पहला इसका मकसद तो ये हुआ। दूसरा मकसद ये है कि ये एड करती है और फैसिलिटेट करती है जो एक्चुअल कल्प्रिट है उसको कैच करने के लिए। डी फेलोस, दूसरा क्वेश्चन इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने आंसर करते हुए कहा कि सिविल प्रोसीडिंग के अंदर या क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर या सर्विस मैटर्स के अंदर अगर एग्जामिनेशन चीफ या जो मेयर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं उनको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया और उस शख्स जिसके अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग कंडक्ट हो रही है उसको मौका फराहम नहीं किया गया तो ऐसी स्टेटमेंट जो अनक्रॉस एग्जामिन्ड है उसकी लीगल वैल्यू कोई नहीं है। ये फेलोस, तीसरा हमारे सामने सवाल ये है कि क्या यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होगा। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसके अंदर ये कहा कि ये जो सर्विस मैटर्स के अंदर या डिसिप्लिन प्रोसीडिंग के अंदर जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है सजा देने के लिए वो एनालॉगस टू दी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट एंड प्रोसिक्यूशन हैज़ टू स्टैंड इट्स केस ऑन इट्स ऑन फुटिंग।
अब इसके अंदर जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है ऑनरेबल कोर्ट ने कहा वो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज है और प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस है। इसको आसान अल्फाज में यूं समझ लें कि दोनों तरफ से अगर एविडेंस आई, एक इस पलड़े में रखी गई और दूसरी इस पलड़े में रखी गई, जो पलड़ा भारी हो जाएगा वो प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस या बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज की बुनियाद पर उसकी फेवर में फैसला दे दिया जाएगा। यानी अगर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो अगेंस्ट आ रहा है डिलिंक्विट ऑफिशियल के, तो उसके अगेंस्ट फैसला दे दिया जाएगा, और अगर उसकी फेवर में आ रहा है तो उसे एग्जेनोरेट कर दिया जाएगा। ये फेलोज, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर ये प्रोसीडिंग जो है वो डिफेक्टिव होती हैं तो उसकी जो ओवरऑल प्रोसीडिंग है उन पर क्या असरअंदाज होगा। ऑनरेबल कोर्ट ने इसके अंदर बड़ा स्ट्रिक्ट व्यू लिया, बल्कि सो मच सो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि पहली बहुत सारी जजमेंट्स के अंदर हम डायरेक्शन दे चुके हैं कि एक हैंडबुक कंपाइल की जाए जिसके अंदर प्रोसीजर बताया जाए कि ये प्रोसीजर है जो इंक्वायरी ऑफिसर ने फॉलो करना है। इस प्रोसीडिंग के अंदर, इस जजमेंट की जो प्रोसीडिंग हुई उसके अंदर ये डिफेंस भी लिया गया कि क्योंकि इंक्वायरी ऑफिसर जो हैं वो रॉ हैंडेड होते हैं, उस तरह से ट्रेन नहीं होते, तो ऑनरेबल कोर्ट ने इस आर्गूमेंट को भी डिस्कार्ड कर दिया और डिस्कार्ड करते हुए कहा कि जो प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर है वो किसी ट्रेंड बंदे के लिए, ट्रेंड बंदा उसके लिए होना ज़रूरी नहीं है, ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है, उसको पढ़ा जाए तो वो हर शख्स जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसकी बुनियाद पर ऑनरेबल कोर्ट ने इस चीज़ को भी डिस्कार्ड कर दिया। और आखिर पर क्या इसको एक इररेगुलरिटी कंसीडर किया जाए या इसको टेक्निकलिटी या एक 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 प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, इसकी बुनियाद पर इसको डिस्कार्ड करके सजा दी जा सकती है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने सर्वस ट्रिब्यूनल पर के मुतल्लिक भी ये अपनी ऑब्जर्वेशन देते हुए ये कहा कि नॉट अफोर्डिंग द राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इन द इंक्वायरी वाज अ सीरियस डिफेक्ट एंड इन नो वे कैन बी कंस्ट्रूड एज टेकिंग रिफ्यूज इन प्रोसीजरल लैप्सेस, इट वाज अ ग्रेव ब्लंडर विच इन फैक्ट डिस्ट्रॉयड द होल सबस्ट्रेटम ऑफ इंक्वायरी एंड द केस ऑफ मिसकंडक्ट मेड आउट by the department against the petitioners, it was the legal duty of the service tribunal to vet the whole inquiry report for the purposes of fact finding including the effect of non affording the right to cross examine which was necessary to decide both the appeals on merits। the fellows, is judgment ki roshni mein jo maine aapke samne rakhi, honorable court ne conclude is baat pe kiya ke regular department inquiry ke jo traits hain, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो फुलफिल नहीं होती तो आपकी सारी की सारी प्रोसीडिंग जो है वो क्रम्बल टू ग्राउंड हो जाएगी। अब इसके साथ जो चार और जजमेंट्स हैं जो रेगुलर डिपार्टमेंट इंक्वायरी के मुतालिक हैं और जिससे इस जजमेंट पे भी इस्तफादा किया गया, वो हैं 2023 SEMR पेज 603, 2023 SEMR पेज 1135, 2022 SEMR पेज 745 और 2023 SEMR पेज 603। शुक्रिया।